नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नौकरी के लिए विदेश जाने के मामले में बिहार के इस शीर्ष जिले के बारे में। बिहार में बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है। बिहार में जितने रोजगार नहीं है उससे ज्यादा भीड़ बेरोजगारों की देखने को मिलती है। हालांकि बिहार अभी भी एक मामले में सबसे आगे बताया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार बिहार का यह जिला बाकी सभी जिलों के मुकाबले शीर्ष स्थान पर है। विदेश जाने के मामले में बिहार से बाहर रोजगार की तलाश में कई युवाओं का आना जाना लगा रहता है। इसी क्रम में हाल ही में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय पटना की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार नौकरी के लिए बिहार से बाहर जाने के मामले में बिहार का सिवान जिला पहले स्थान पर है। सिवान जिला में बाहर जाने वालों की संख्या इतनी ज्यादा है कि इस जिले ने तो अब बिहार की राजधानी पटना को भी पीछे छोड़ दिया है। क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय पटना की तरफ से जारी आंकड़ों के अनुसार साल 2019-20 में राज्यों में 3,05,300 पासपोर्ट जारी किए गए थे। इनमें सबसे ज्यादा सिवान जिले के थे, जिसके बाद दूसरे और तीसरे नंबर पर बिहार की राजधानी पटना और गोपालगंज को चिन्हित किया गया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि वर्तमान समय में बिहार में उद्योग की संख्या काफी सीमित है। रोजगार के अभाव के कारण ही राज्य के बहुत सारे श्रमिक विदेशों का रास्ता चुनते हैं और बिहार के बाहर प्रवास करते हैं। बिहार से बाहर निकलने वालों की संख्या का अंदाजा हर साल पासपोर्ट के लिए किए जा रहे आवेदनों और जारी पासपोर्ट की संख्या को ही देखते हुए लगाया जा सकता है। आंकड़ों की तरफ ध्यान दे तो साल 2019-20 में पासपोर्ट के लिए 2,89,700 आवेदन प्राप्त हुए थे, जबकि 3,05,300 पासपोर्ट जारी किए गए हैं। हालांकि इनमें से कुछ पुराने आवेदन भी बताए गए हैं, मगर मिली जानकारी के अनुसार इनमें से अधिकतर अकुशल और अर्धकुशल लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है, जो रोजगार की तलाश में ही खाड़ी देशों की तरफ रुख कर रहे हैं। इसके साथ ही अगर हम साल 2019-20 में जारी पासपोर्ट के आंकड़ों को देखें तो एक तिहाई पासपोर्ट सिवान, पटना और गोपालगंज जिले वासियों के ही हैं। हालांकि इन तीनों जिलों में ही सिवान ने बाजी मार ली है। इसमें सिवान की हिस्सेदारी 12.3% और पटना की 11.2% और गोपालगंज की 9.1% देखने को मिली है। इसके अलावा अगर हम बाकी अन्य जिलों की बात करें तो इसमें मुजफ्फरपुर, सारण, पश्चिम चंपारण और पूर्वी चंपारण का नाम शामिल है। जारी आंकड़ों के अनुसार इन जिलों की हिस्सेदारी देखें तो यहां लगभग 5% है। इसके साथ ही अगर हम विदेश जाने वालों की सबसे कम संख्या की बात करें तो बिहार का शेखपुरा जिला सबसे निचले पायदान पर है। शेखपुरा जिले में केवल 895 पासपोर्ट ही बनाए गए हैं। इसके साथ ही शिवर में 974, अरवल में 1102 और लखीसराय में महज 1196 पासपोर्ट का निर्माण ही साल 2019-20 में जारी किया गया है। हालांकि बिहार के युवाओं को पढ़ाई के साथ साथ कमाई के लिए भी बाहर का रास्ता देखना पड़ता है, मगर साल 2020 में आई सरकार ने बिहार के युवाओं के लिए और खासकर की नौकरी के तलाश में बैठे युवाओं के लिए बिहार में उद्योग लगाने की बात पर जोर दिया है, जिसके तहत आने वाले समय में रोजगार के लिए युवाओं के बाहर जाने का सिलसिला कुछ थम सकता है। हालांकि ये तो आने वाले समय में ही साफ होगा कि बिहार सरकार अपने वादे पर उतरने में कितनी कामयाब हो पाती है, कितनी नहीं। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपके अनुसार सिवान जिले से ज्यादा संख्या में लोगों के बाहर जाने का मुख्य कारण क्या हो सकता है? अपने जवाब हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।